हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नीनाज किचन और आज मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई रोटी से बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बची हुई रोटी से नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये रोटियाँ ले ली हैं जो मेरी बच गई थी। और अब मैं क्या करूँगी, मैं रोटी को लेकर चाकू की मदद से बीच में से कट करूँगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने रोटी को कट कर लिया है बीच में से। और ये मैंने टूथपिक ले ली है, इस टूथपिक की मदद से मैं रोटी का कोन तैयार करूँगी। देखिए इस तरीके से रोटी को फोल्ड करके टूथपिक की मदद से इस तरीके से मैं कोन तैयार कर लेती हूँ, ये देखिए। और इसी तरीके से मैंने सारे कोन तैयार कर, आप देख सकते हैं मैंने रोटी से सारे कोन तैयार कर लिए हैं। रोटी के कोन तैयार होने के बाद स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई को रख लिया है गैस पर और ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ जीरा, और जीरा डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें कुछ हरी मिर्च। और हरी मिर्च डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें पनीर, पनीर को अच्छे से भून लेंगे। पनीर हमारा अच्छे से भून गया है और अब मैं इसमें डालूंगी ये मैंने आलू को बारीक काट लिया है, इन्हें डालूंगी। उबले हुए आलू हैं ये। आलू डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच आलू मसाला, जिससे कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अब मैं डालूंगी ये कुटी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, ये डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और एक चम्मच डालूंगी जीरा मसाला, ये होममेड है। और कुछ धनिया डालूंगी पिसा हुआ और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। और इसमें हींग डालना भी बहुत ज़रूरी है, हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हींग डालने से। और स्टफिंग हमारी तैयार है, इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं आलू और पनीर की कितनी बढ़िया स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और जो मैंने रोटी के कोन तैयार किए थे इनको मैं अब डीप फ्राई करने वाली हूँ। तो इन्हें मैं डाल देती हूँ ऑयल में। आप देख सकते हैं जो रोटी के कोन मैंने फ्राई किए थे वो कितने बढ़िया से फ्राई हो गए हैं और कितने क्रिस्पी हो गए हैं। और ये कोन मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, इस तरीके से कोन हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे फाइनल शेप देना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्टिक को मैं निकाल दूंगी, बहुत ही आसानी से निकल जाती है, ये देखिए। इस स्टिक को निकाल कर हम अलग रख देंगे, अब ये प्रॉपर अपनी शेप में है। और आलू और पनीर की जो स्टफिंग मैंने तैयार की थी उसे मैं इसमें भर दूंगी। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया टेस्टी कोन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसमें टमाटो सॉस वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं सारे कोन तैयार करके रख लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बची हुई रोटी के कितने टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये देखने में भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और रोटी क्योंकि हमारी फ्राई होने के बाद बहुत क्रिस्पी हो जाती है तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे ज़रूर बताना। और रोटी के बची हुई रोटी के जो कोन मैंने बनाए हैं आप उन्हें बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि जब आप उन्हें डीप फ्राई करें तो आप उन्हें जो उनका हिस्सा खुला हुआ है गोल उसकी तरफ से आप उन्हें ऑयल में रखें उल्टा करके, और इससे उनके किनारे चिपकेंगे नहीं और आपका कोन एकदम परफेक्ट खुला हुआ बनेगा। तो आप तलते समय इस बात का ध्यान रखें। और आलू और पनीर की स्टफिंग मैंने तैयार की है, यदि आप चाहें तो वेजिटेबल्स वाली स्टफिंग भी आप तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में वेजिटेबल्स वाली स्टफिंग तैयार की है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये बची हुई रोटी के कोन बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, आप इन्हें एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।